उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित समाज नाल संबंधित लड़की मनीषा नाल जबर जनाह ते कतल के मामले कारण देश विच लोकां विच सरकार प्रति गुस्से की लहर देखने मिल रही है। भारत च औरतां दी स्थिति बद तो बदतर बनी हुई है। मृतक मनीषा ते उसके परिवार नूं इंसाफ दिवाउण लई जिथे शहरां कस्बियां च रोस प्रदर्शन देखने मिल रहे हैं उत्थे ही पिंडां दे लोक भी एकजुट हो रहे हैं ते मृतक मनीषा ते उसके परिवार नूं इंसाफ ते दोषियों नूं मिसाली सजावां देने की मांग कर रहे हैं। इस दे तहत ही मानसा दे पिंड सद्दा सिंह वाला विखे लोक इंसाफ पार्टी वालों उत्तर प्रदेश दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दा पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया गया। लोक इंसाफ पार्टी के सीनियर मीत प्रधान जगदेव सिंह ते हलका इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने कहा कि जेकर उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार नूं इंसाफ नहीं देवेगी तो आने वाले समय के तिखा संघर्ष विढ़िया जाएगा। जगदेव सिंह रायपर सीनियर मीत प्रधान जिला मानसा लोक इंसाफ पार्टी असी राष्ट्रपति केंद्र सरकार तो मांग करते हैं कि यूपी के असफल रही इस योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए तो उस लड़की जो मनीषा वाल्मीकि दलित परिवार से संबंध रखती थी उसके जो कातिल ने उन्होंने घट्टो घट फांसी की सज़ा दी जाए। अगर सरकार ये फेल होंगे ने जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये दखल दे के ये कार्रवाई नहीं करते तो असी सरदार सिमरजीत सिंह बैंस प्रधान लोक इंसाफ पार्टी की अगवाई पंजाब बहुत तिखा संघर्ष करने तैयार हाँ ता कि धियां भैन की इज्जत सुरक्षित बनाया जा सके। भारत अंदर औरतों की स्थिति तरसयोग बनी हुई है। गुंडा राज का बोलबाला है। सरकार ते प्रशासन औरतों खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के मामलों ते ठल पाउण च असफल सिद्ध हो रही ने। इंसाफ तो दूर की गल दोषियों को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता उल्टा अदालतों कचहरियों च मामले लंबते रहते हैं तो जदों तक इंसाफ मिलता है उदों तक बहुत देर हो चुकी होंगी है। चढ़दी कला टाइम टीवी लई मानसा तो जलबीर सिंह की रिपोर्ट। सबसक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नूं ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बैल आइकन।